हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। आप आज अपने जो है वो श्रीगंगानगर से बठिंडा की 126 किलोमीटर के सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट देखेंगे। अबोहर के रास्ते आप देख रहे हैं, बठिंडा से अबोहर के बीच में ब्लू लाइन से शो कर दिया गया मैप में, जबकि अबोहर से श्रीगंगानगर अभी भी ब्राउन में शो किया गया, यानी यहाँ अभी काम शुरू नहीं किया गया है। और अपनी ट्रेन जो है वो डिपार्चर कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी अपने जो है वो लोअर लेवल जो है वो सबवे यानी कि अंडरपास को क्रॉस कर रहे हैं, पहले अपने हिंदोमल कोर्ट साइड में और अभी दूसरा जो है आगे की तरफ पड़ता है, इसको क्रॉस किया। और लेफ्ट साइड में जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये जाता है सूरतगढ़ तक रायसिंगर के रास्ते। अपने बढ़ गए हैं राइट साइड में और अपने एंटर करेंगे पंजाब में। पूरा का पूरा 126 किलोमीटर के स्ट्रेच की बात करो तो पूरा आता है अम्बाला डिवीज़न उत्तर रेलवे में। लक्ष्मी नारायण कैनाल को क्रॉस किया है, आउटर होम सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं पहले क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन फतुई के बारे में। 15 किलोमीटर की दूरी है पर यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम कोई भी शुरू नहीं हुआ है। मेन लाइन से अपनी ट्रेन थ्रू पास हो रही है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई भी फाउंडेशन बनाने के लिए खड्डे खोदने का काम शुरू नहीं किया गया है। हिंदूमल कोर्ट के बाद एक जो है हिंदूमल कोर्ट की तरफ अपने बढ़ रहे हैं और ओड़की रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीगंगानगर से। यहाँ पर भी कोई फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं और यहाँ पे जो अपने को ट्रेन मिली है हिंदूमल कोट रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जो खड़ी है, ये बठिंडा से सुबह 10:45 पे श्रीगंगानगर की ओर आने वाली पैसेंजर ट्रेन है। 25 किलोमीटर की दूरी हिंदूमल कोट रेलवे स्टेशन की है, यहाँ पे भी फाउंडेशन बनने का कोई काम शुरू नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको जो अगर जूम करके देखो तो कुछ आपको टीवी टावर वगैरह दिख जाएंगे जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल समीप है। यहाँ से लगभग स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको पाकिस्तान बॉर्डर मिल जाएगी। कोटा पक्की में अपने एंटर कर चुके हैं, ये पंजाब के अंदर अगर आप जाते हैं तो पहला रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ पे भी फाउंडेशन बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। अगला रेलवे स्टेशन 39 किलोमीटर की दूरी पर श्रीगंगानगर से पंचकोसी रेलवे स्टेशन है, जो कि 88 किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है बठिंडा जंक्शन से। और यहाँ पे जो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जिस ट्रेन से अपने क्रॉसिंग कर रहे हैं, ये अम्बाला से श्रीगंगानगर पैसेंजर है, जो कि अम्बाला से सुबह 6:15 पर चलती है। पंचकोसी में भी कोई भी फाउंडेशन बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पंचकोसी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जो अपने किलावाली रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं, हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, लो लेवल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे भी फाउंडेशन के लिए कोई भी खुदाई का काम अभी शुरू नहीं किया गया है। किलावाली के बाद जो अपने पहुँचेंगे अबोहर जंक्शन के यार्ड में, यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रैक मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं क्योंकि इस सेक्शन पर जो है वो इंटरलॉकिंग का काम यानी टोकनलेस का काम जो है वो किया जा रहा है। अबोहर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 3 रेलवे ट्रैक हैं, 2 रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि जो है वो अच्छी हाइट पे है और यहाँ से एक सेक्शन जो है वो जाता है फाजिलकल के लिए। अबोहर में भी कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं किया गया इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल की खुदाई का। और ये जो अपने डिपार्चर कर रहे हैं अबोहर रेलवे स्टेशन से, तो साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है ये फाजिलका आ जाता है और आगे इसी तरफ से जो है वो फिरोजपुर के लिए लाइन जाती है। अब बढ़ते हैं बठिंडा की तरफ, उसके फाउंडेशन मिलना शुरू हो गए हैं। जैसा मैप में शो किया गया था कि अबोहर से बठिंडा के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो गया है, तो फाउंडेशन मिलने जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और इस दौरान अपने एक और बहावल बस्सी हाल्ट रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये लो लेवल प्लेटफॉर्म है, हाल्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन जो है यहाँ पे तैयार किए जा चुके हैं। इसके बाद जो है अपने बड़े रेलवे स्टेशन की ओर, ये है पक्की रेलवे स्टेशन। पक्की रेलवे स्टेशन जो है वो 68 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीगंगानगर से, जबकि 58 किलोमीटर की दूरी इसकी बठिंडा जंक्शन से रहती है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लो लेवल प्लेटफॉर्म है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन पूरे किए जा चुके हैं। पक्की के बाद अपने एंटर कर रहे हैं मलोड की तरफ, जो कि 82 किलोमीटर की दूरी पर रहता है श्रीगंगानगर से, जबकि 44 किलोमीटर की दूरी इसकी जो है वो बठिंडा से। यहाँ पर भी 2 प्लेटफॉर्म है, दोनों ही हाइट पर प्लेटफॉर्म है और एक थ्रू लाइन है यहाँ से। और मलोड रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर कोई भी फाउंडेशन के लिए खुदाई का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ और पहले से कोई फाउंडेशन यहाँ बनाए भी नहीं गए हैं, यानी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ यानी गिदड़वा बठिंडा की तरफ चलते हैं तो फाउंडेशन मिलने दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे भी मुझे जो है वो एक ट्रैक मशीन देखने को मिली है, यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग का काम जो है वो फाइनल स्टेज में है। इसके बाद अपने बढ़ते हैं गिदड़वा और बठिंडा की तरफ, तो यह जो आप 4 लेन का जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये दिल्ली फाजिलका नेशनल हाईवे का है और इस तरफ आप देख रहे हैं सिक लाइन बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर फाउंडेशन बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ पर फाउंडेशन का काम अभी शुरू नहीं किया गया। लेकिन मलोड से 2 किलोमीटर जैसे अपने बठिंडा की तरफ बढ़ते हैं तो दोबारा से अपने को जो है वो पक्के फाउंडेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। मलोट रेलवे स्टेशन के बाद जो है वो अगला रेलवे स्टेशन जो है वो गिदड़वा रहेगा। इसी बीच कुछ दूरी पर फाउंडेशन मिलने दोबारा से बंद हो गए थे और दोबारा से फिर वो फाउंडेशन मिलने चालू हो गया। इस समय अपने जो है वो गिदड़वा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सरिंद फीडर और उसके बाद ये राजस्थान फीडर यानी राजस्थान नहर को क्रॉस कर रहे हैं, जिसपे अभी जो है वो पक्का करने लाइनिंग करने का काम जो चल रहा है क्योंकि अप्रैल में जो है इस नहर में नहरबंदी रहती है। आगे अपने बढ़ते हैं गिदड़वा रेलवे स्टेशन की ओर, यहाँ पे भी 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो यार्ड है वो बठिंडा की तरफ है।
आप देख रहे हैं कि गिदरवा रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है, या दो नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। शायद यहाँ पे ब्रैकेट से वायरिंग करके OHE को कवर किया जाए। और इसके बाद अपने बढ़ रहे हैं अब अगले रेलवे स्टेशन की ओर जो आता है बलुआना। ये बलुआना रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर से 110 और बठिंडा से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे भी फाउंडेशन जो है वो बनाए जा चुके हैं। ये लास्ट क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है अगर आप श्रीगंगानगर से बठिंडा जंक्शन की तरफ चलते हैं, और इस समय अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है 4 लाइन बाईपास को, जो कि बठिंडा जंक्शन को जो है वो हनुमानगढ़ साइड का फ्लाईओवर जो है वो कनेक्ट करता है श्रीगंगानगर और आगे जो है वो बठिंडा के लिए। और इस समय अपने जो है वो सरिंद्र नहर को क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे पिछली बार भी अपने को 2 से 3 पोल मिले थे, बठिंडा के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं अपने। और ये वायरिंग यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये पिछली बार भी 3 पोल ऐसे कैसे पार्ट वन में मिले थे और वैसे के वैसे 3 पोल अभी भी खड़े हैं। तो हो सकता है कि ये पोल कोई एक्स्ट्रा उनको खड्डों में जो है वो लगा दिया गया हो। आगे दोबारा से जो है वो पक्के फाउंडेशन मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अबोहर आउटर से लेके बठिंडा तक जो है लगभग 74 किलोमीटर के सेक्शन पे जो है लगातार जो है काम फाउंडेशन बनाने का कंप्लीट कर लिया गया है। और अपने इस समय जो है वो होम सिग्नल को क्रॉस कर लिया है, बठिंडा तक की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे लगातार अभी भी अपने को फाउंडेशन मिल रहे हैं। और ये कुछ पोल जो है ये जब बठिंडा को इलेक्ट्रीफाई किया गया तो शंटिंग के लिए रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रीफिकेशन किया गया था उसके पोल है। बठिंडा रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन एंटर हो रही है। तो ये आज की अपडेट थी 126 किलोमीटर के स्ट्रेच को श्रीगंगानगर से 52 किलोमीटर की दूरी अबोर की। कोई काम फाउंडेशन का शुरू नहीं हुआ है, 52 किलोमीटर से लेकर 74 किलोमीटर तक यानी 126 किलोमीटर तक जो है इस पे पोल के लिए फाउंडेशन बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी या सुझाव तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आगे भी लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे रेलवे की किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय।